यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बस ये ध्यान रखना था कि गलती से 22 ना बोल दे, 1 एक कॉमन टर्म है, बस यही एक मिस्टेक के चांस थे और कोई नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला है। ए जो है उसका ऑर्डर देखिए 1 2 3 2 3 4, ऑर्डर से मतलब है 3 × 2 का है। बी जो है वो 1 2 2 1 यानी 2 × 2 ऑर्डर का है। तो अब आपसे बोला है कि ऑप्शन दिए बोथ ए बी एंड बी एग्जिस्ट, नहीं ए रॉन्ग है, क्योंकि ए बी निकाल सकते हो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए बी निकल सकता है, बी ए फाइंड नहीं होगा, तो बी नाइदर भी रॉन्ग हो गया। ए बी एग्जिस्ट बट बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, यानी सी इज अ राइट आंसर। पहले ऐसे ही क्वेश्चन ढूंढने, जहां ऐसे 50 क्वेश्चन कर लिए सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। तो इसका आंसर होगा सी, ए बी एग्जिस्ट बट बी ए नॉट एग्जिस्ट। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए क्या है। ये सब वो क्वेश्चन है जो पहले राउंड में होना चाहिए, 5-6 क्वेश्चन अभी कर दिया जिनको सेकेंड राउंड में करना चाहिए था। इफ फैक्टोरियल एन हैज 17 जीरो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद होगा आपको नंबर ऑफ जीरो इन फैक्टोरियल एन का डायरेक्ट तरीका बताया था, हाईएस्ट पावर ऑफ 10 और उसके लिए भी 5 की निकालनी होती है। सिंपल सिंपल सा लॉजिक है। तो कितने जीरो होंगे पहले लॉजिक बताता हूं फिर करेंगे। जैसे 95 85 80, मान लीजिए कि मैं 80 में अगर इफ फैक्टोरियल एन हैज 17 जीरो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। तो अगर हम समझे, मान लीजिए फैक्टोरियल 18 लिखा होता और इसमें नंबर ऑफ जीरो बोले होते तो हम 5 की हाईएस्ट पावर निकालते। तो आप अगर करते तो 80 बाय 5 करते तो कितना आ जाता, 16 आता। 16 में 5 का डिवाइड करो तो 3 आता, यानी इसमें 19 जीरो मिलेंगे। अब अगर फैक्टोरियल 80 में 19 जीरो मिल रहे हैं तो 85 में और ज्यादा मिलेंगे, एक और बढ़ जाएगा, और 95 में और ज्यादा मिलेंगे। थोड़ा सा ये क्वेश्चन ऐसा है कि मिनिमम बोला है क्या, तो इसमें मैं बोलूंगा नो सच वैल्यू ऑफ एन एग्जिस्ट। मतलब इसके हिसाब से देखिए, अगर केवल 17 जीरो की बात करें तो मैं आपको सजेशन ये दूंगा इसमें, क्योंकि आपको तरीका भी बताया था क्या करते हैं इसमें, जैसे 80 बाय 5 प्लस 80 बाय 5 का स्क्वायर ऐसे चलेगा। तो जब आप 80 बाय 5 करते हैं तो आपको 16 मिलता है, ये 3 point something मिलता है, इंटीजर लेते हैं तो 19 मिलते हैं। तो ये दो तो होंगे ही नहीं, और 17 की बात की है पर सभी हो सकते हैं। तो इसमें मैं आपको सजेशन दूंगा डी, पर थोड़ा कंफ्यूजन है, एक बार और इसको हम एंड में बाद में डिस्कस करेंगे, पर डी ले सकते हैं, इसका नो सच वैल्यू ऑफ एन। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन है, समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। लेट ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन जीरो ए लेस देन बी दिया है। तो आपको ये नंबर लाइन पे करना है, ये ए आ गया ये बी आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी एक्स लेस देन ए होना चाहिए और ग्रेटर देन बी। तो एक लेस देन है मतलब इसका आंसर ऐसा लिखा जाएगा माइनस इंफिनिटी टू ए यूनियन ऑफ बी टू इंफिनिटी। तो एक लेस देन है एक ग्रेटर देन बी, ये अगर देखें तो एक आंसर है जिसमें बी बॉम्बे ऐसा दिया ए एक्स एक्स लेस देन ए एंड एक्स ग्रेटर देन बी, दिस इज द राइट आंसर। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो याद हो आपको एक क्वेश्चन हमने किया था, ये उसका थोड़ा सा ऊपर ज्यादा दे दिया, अगर ध्यान दे कौन सा, सी 74.4 प्लस सी 51.3 प्लस सी 50.3 प्लस सी 49.3 प्लस सी 48.3। अगर ध्यान हो तो इसको हमने समेशन फॉर्म में किया था, सिंगल स्टेप में आंसर लिख सकते हैं। एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इक्वल टू एन प्लस 1 सीआर, ऐसा क्वेश्चन था। आर इक्वल टू 1 2 5 50 2 माइनस आर सी, इस तरह का याद हो आपको, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पर 47 था सॉरी, अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से चले तो ये 48C4 होगा, तो सबसे आखिरी में 50 बने, यानी 52C4 इज आर राइट आंसर। पहले तो आंसर लिखें
फिर समझेंगे क्या करा। क्या आया आंसर? 52C4। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही बताया था मैंने। इसमें आपको एक्चुअल में 47C4 प्लस 47C3 इक्वल टू होगा 48C4, फिर इसके साथ बनेगा, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, लास्ट इसके साथ आएगा, इसलिए एक बढ़ जाएगा। तो 52C4 इज अ राइट आंसर, नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एफएक्स, तीन क्वेश्चन लिंक है भाई इससे, थ्री आइटम्स लिंक है। एफएक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, ओके, और जीएक्स इक्वल टू बोला है 5x, एक होगा तो सभी हो जाएंगे, ये कर लेना चाहिए था। व्हाट इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रूट ऑफ द इक्वेशन जी एफ एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, पहले जी एफ एक्स निकाल ही लेते हैं। तो जी एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, ये एफ एक्स की जगह रखा, यहां पर 5 के मल्टीप्लाई के साथ रखिए, 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 25 प्लस 30 यानी प्लस 5, 5 कॉमन ले लो तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1, दो रूट ये हो गए। सिंगल स्टेप में आपने इस क्वेश्चन को करा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा माइनस 1 माइनस 1 बी। फिर अगला क्वेश्चन इसमें बोला है एफ जी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, जी जी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। एफ जी एक्स की डिग्री बोली है 3 और जी जी एक्स की पॉलिनोमियल की डिग्री बोली है 2। लॉजिक से देखें तो एफ जी एक्स भले ही नहीं पता, पर आपको तो पता ना, एफ अगर जी एक्स की जगह रख भी देते आप, और यहां पे जब ये रखते तो स्क्वायर होता तो डिग्री 3 तो नहीं है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। ओनली वन, मतलब नाइदर वन नॉट टू की बात खत्म हो सकती, बोथ वन एंड टू खत्म। अब देखते हैं टू, जी जी एक्स, तो जी जी एक्स कितना है 5x प्लस 30, राइट। जी एक्स कितना है, यहां पर आपने जी एक्स रखा तो 5x प्लस 30, और फिर जी जी एक्स निकाला यानी 5 इंटू 5, तो ये भी डिग्री नहीं है। तो इसका मतलब नाइदर वन नॉट टू, इसका आंसर होगा डी, नाइदर वन नॉट टू। ध्यान से सुनते चलिएगा, जो भी सेट है उसके हिसाब से आप अपने पेपर को मैच करिएगा ए बी सी डी, और पूरे पेपर के एंड के बाद मैं फाइनली एक सीट बना के दूंगा जिसमें ए बी सी डी के चारों के आपको सॉल्यूशन भी मिलेंगे, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा समझें क्या क्वेश्चन है। एच एक्स इक्वल टू, ओ सॉरी रब कर दिया, 5fx माइनस xgx, देन व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एच एक्स। ठीक है, 5fx की जगह fx रख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 प्लस एक्स इंटू 5x प्लस 30, इसका डेरिवेटिव पूछा या माइनस है। अब सुनिए कितना अच्छा और क्वेश्चन है, 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 25 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 30x, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, ये माइनस 20 इसका राइट आंसर आ गया, क्योंकि ये हो गया माइनस 20x माइनस 25, डिफरेंशिएशन किया तो माइनस 20। क्वेश्चन से आपने 3 क्वेश्चन बहुत ही क्विकली कर लिया, और ये अभी वो क्वेश्चन ढूंढ के ला रहे हैं जो बिल्कुल पहले एक घंटे में करेंगे, और पूरे एक घंटे में आप 50 से ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे, और फिर एक घंटे में जितना होता जाए वो करेंगे, पेपर जितना प्रेशर फ्री, जितना पॉजिटिव माइंड से देंगे उतना अच्छा होता है। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, नेक्स्ट आते हैं। यस, नेक्स्ट बात करते हैं, इंटीग्रल का क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी बेस्ड है इसलिए बता रहा हूं, अदरवाइज इसको मैं पहले सजेशन नहीं देता बताने का। क्वेश्चन ये है, आई वन दिया है 0 to π एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस sin x, आई टू दिया है 0 to π π-x dx अपॉन 1 minus sin π plus x। लॉजिकली देखें तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस होता है, ये दिया है राइट। और ये याद रखिएगा, ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने 0 to a एक्स एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट बाय 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स ब्रैन एफ एक्स एफ ए माइनस एक्स एफ एक्स होना चाहिए। तो यहां पर ध्यान दें, इस x को छोड़ दें तो ये बिल्कुल वही है, यानी अगर मैं आई वन को सॉल्व कर रहा होता तो पहले लिखता पाई बाई 2 0 to π डीएक्स अपॉन 1 प्लस sin x, और 2a की भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं 0 to 2a, 2 टाइम आगे आ जाएगा, तो एक तरह से पाई 0 to π/2
dx अपॉन 1 प्लस साइन x, बिकॉज 1 माइनस साइन पाई माइनस x साइन x होता है, और इसको करने के लिए आप ऑब्वियसली रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करेंगे इसका मतलब यह हुआ कि आप इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन x अपॉन cos स्क्वायर x। तो देखिए डायरेक्ट लिखेंगे sec का 10x माइनस 10x इंटू sec x का आएगा कितना sec x, राइट ऐसा बनेगा ये sec स्क्वायर x माइनस 10x इंटू sec x, तो इसके इंटीग्रल हो गए। अब देखिए ये लिमिट 0 टू पाई बाई 2 हो गई थी, पाई बाई 2 नहीं रखना है, राइट अब 0 रखेंगे तो tan 0 0 और तो ये 1, तो आंसर आया पाई। आंसर क्या आया पाई, यानी आई 1 का आंसर आएगा पाई, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ सी। अब एक चीज समझिएगा कि जब आप लिमिट, ये आई 1 का आंसर आ गया अगर पाई, तो उसका आंसर क्या आएगा आई 2 का, ये एक चीज समझने की होती है, तो वो भी मैं आपको समझाता हूं कि क्या करना, पहले इसको नोट करो। अब देखिए आई 1 और आई 2 कैसे हैं, सेम है, अगर आई 1 और आई 2 सेम है तो अगर आई 1 का आंसर पाई है तो आई 2 का भी आंसर पाई ही होगा, तो करेक्ट आंसर हो गया 2 पाई। अब आपसे क्या मिस्टेक होती है बता रहा हूं, आप में से कोई भी ये कॉमन मिस्टेक कर सकता है, अभी ध्यान दीजिए कि आपने क्या किया, किसका आंसर निकाला पहले वो देख लें हम, क्योंकि ये मिस्टेक हो सकती है, तो वो मिस्टेक ना हो तो पहले तो इसका आंसर लिख लें हम पाई, फिर मैं आपको समझाता हूं कि क्या करना था जिससे कि मिस्टेक ना हो, राइट। अब एक चीज समझिए कि अगर मैं आपको, आपने इस क्वेश्चन का आंसर निकाला है पाई, किसका, इस क्वेश्चन का आंसर निकाला है पाई, और एक्चुअल में आपने इस क्वेश्चन का 0 टू पाई बाई टू डीएक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को जब सॉल्व किया आपने, तो आपको पूरा फाइनली 1 मिला तो पाई आया। अब क्या होता है, आपको कंफ्यूजन क्या होगा मैं बताता हूं, जैसे आई 2 आपने ये लिखा हुआ है 0 टू पाई, पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, अब लॉजिक से बताइए जब दोनों को जोड़ेंगे तो आई और आई मिलकर हो गए 2i, आई 1 प्लस आई 2 जोड़ा आपने, क्योंकि दोनों ही सेम है, जब आपने इन दोनों को जोड़ा होगा तो क्या हुआ होगा, ये 2i हो गया और ये हो गया, चाहो तो आप इसे i1 प्लस i2 बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आपको एक तरह से ये मिल गया पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इससे कैंसिल, राइट। अब जरा यहां पे देखिए क्या हुआ, 0 टू पाई, तो आपके पास ये 2, ये क्या हो गया 0 टू पाई, ये हो गया पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तो इसका पाई बाहर आ गया, राइट इसका पाई बाहर आ गया, और अब आपने 0 से पाई डीएक्स अपॉन साइन एक्स को सॉल्व किया, जिसका ये 2 टाइम्स आ जाएगा, तो फिर आंसर वही आ गया, तो इसलिए आप आंसर बोलेंगे 2 पाई, क्योंकि जब ये लेंगे तो ये 2 पाई जाएगा और ये पाई बाई 2 होगा, तो आंसर इज 2 पाई, तो क्योंकि सेम है इसलिए आप इसको आंसर को बोल सकते हैं 2 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से और कैसे करना है वो समझाता हूं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 बाय 4 एक्स लेस देन 0 के एक्स इक्वल टू 0 एक्स प्लस 1 बाय 2 का स्क्वायर x, एक सेकंड में बता सकते हैं, के पूछा है, ग्रेटर देन 0 मतलब 0 प्लस एच 1 बाय 2 का स्क्वायर 1 बाय 4, यहां पर रखो 0 माइनस एच ये 0 हो जाएगा तो 1 बाय 4, यानी k की वैल्यू आ गई 1 बाय 4। आपकी टेक्निक्स कैसी है इस पे पेपर डिपेंड करेगा, राइट नोट डाउन दिस क्वेश्चन।